खजाना के प्रायोजक है बिकानो नमकीन महिला मंडल पंजाबी बाग। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमबीवी आवाज का खास कार्यक्रम खाना खजाना। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। इस वक्त हम हैं गुड़गांव सेक्टर 29 में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बीकानेर वाला है। जी हां, आज हम आपको गुड़गांव सेक्टर 29 के बीकानेर वाला की सैर कराएंगे, जिसमें हम आपको बहुत कुछ खास दिखाने वाले हैं। आपको यहाँ पर अपनी फंक्शन करने के लिए जो स्पेस है वो भी मिल जाएगा, चाहे वो छोटा फंक्शन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी आपको स्पेस जो है वो गुड़गांव में जो सेक्टर 29 में बीकानेर वाला है उसमें मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपके फंक्शंस यहाँ पर कैसे होने वाले हैं और साथ ही यहाँ के खाने लाजवाब खाने का भी आपको जो स्वाद है वो भी चखवाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर। इस वक्त जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग हैं गुड़गांव सेक्टर 29 के बीकानेर वाला में, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो गुड़गांव का सेक्टर 29 का बीकानेर वाला है उसमें आपको बैंक्वेट भी मिल रहा है, जिसमें आप अपने छोटे मोटे फंक्शंस कर सकते हैं, साथ ही छोटी पार्टियाज भी कर सकते हैं लाइक किटी पार्टी। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं नवरत्न अग्रवाल जी और उनसे जानते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। सर, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ, और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीकानेर वाला ने जो है अब बैंक्वेट भी जो सेक्टर 29 में है गुड़गांव में यहाँ पे शुरू किया है, तो सर मैं यही जानना चाहूँगी कि फंक्शंस हम कौन कौन से यहाँ पे कर सकते हैं और कितनी लोगों की गैदरिंग जो है बैंक्वेट में कर सकते हैं हम लोग। यस, आपका यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद, और आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। इस चैनल का भी। और ये बीकानेर वाला क्या है कि बीकानेर वाला शुरू से खाना पीना मिठाइयों का रहा है, तो हमने कहा कि रेस्टोरेंट के साथ साथ हमारी आज की तारीख में बैंक्वेट के लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि यहाँ पे भी वो खाना मिल सके जो चाट, लजीज चाट और खाना हम लोग ऊपर बीकानेर वाला में देते हैं, वो मिठाइयाँ देते हैं, तो लोगों को एक वो अच्छा कम्बो मिल जाता है। मिठाइयाँ भी बहुत स्वादिष्ट मिल जाती है, चाट पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट मिल जाती है, खाना भी बहुत अच्छा मिल जाता है जी। तो बीकानेर वाला का बैंक्वेट अपने पूरे गुड़गांवा सेक्टर में एक बहुत फेमस नाम है जी। इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट बीच में पार्टीशंस होके और बाहर चाट और का प्रोग्राम लग जाता है जी। तो इसमें करीबन 100-150-200 लोगों तक का टोटल ओवरऑल आ जाते हैं, लोगों की गैदरिंग हो जाती है। इसमें लोगों ने अपनी एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, पार्टीज और दुनिया भर की कॉर्पोरेट पार्टीज सभी प्रकार की यहाँ पे कंटिन्यूस चलती रहती है, सुबह और शाम दोनों टाइम होती रहती है जी। और लोगों को यहाँ आके एक अलग टाइप की फीलिंग्स और एक अच्छा एंजॉयमेंट, एक खाना पीना, एक अपनापन मिल पाता है। बिल्कुल। बीकानेर वाला क्या है, मैं देखता हूँ कि अपनापन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, राजस्थान के लोग भी खास मैं देखता हूँ कि अपनापन कैसे, कि वहाँ पे जब तक किसी को प्रेम भाव से, शुद्ध पवित्र भाव से परमात्मा मानते हैं और परमात्मा की तरह देने की कोशिश करते हैं, तो बीकानेर वाला हमेशा उसी भाव को लेके, हम अपने फादरों को देखते हैं उसी भाव को लेके इस बैंक्वेट को, और ऊपर रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई, चॉकलेट और नई नई स्वीट्स, उसमें आरएनडीज, अब जैसे मलाई का लच्छा भी ये बनते हैं, मलाई रोल और बनते हैं, जितने मलाई भी बनती है तो इसमें हम एक कच्चे कोयले भी बनाते हैं, ताकि जो लच्छे का जो स्वाद आता है, उसका फ्लेवर आता है जो मलाई और का दूध पे, वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। और जो हमारे गुड़ के आइटम्स हैं तो हम इसमें खजूर का गुड़ और डालते हैं, तो उसका एक अलग टेस्ट आता है जी। तो
तो हम मतलब प्रत्येक चीज में देखते हैं कि कैसे हम उसकी क्वालिटी को और सर्वश्रेष्ठ कैसे कर सकते हैं और क्वालिटी कैसे सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। बेकरी के आइटम टेस्ट करोगे तो ऐसा लगेगा बेकरी खाते रहें, तो यहाँ पे सभी चीज़ों का कम्बो मिल सकता है आपको। जी सर, जैसे हम लोग पिछली बार भी हमारी आपसे बात हुई थी, हम लोग उस टाइम पे करोल बाग में थे और वहाँ की जो स्पेशलिटी थी वो अलग थी, वहाँ की आंगन की स्पेशलिटी बहुत अलग थी। हम गुड़गांव की स्पेशलिटी के बारे में जानना चाहेंगे कि लोग गुड़गांव के बीकानेर वाला में सबसे अच्छा हमें क्या मिल जाएगा। बीकानेर वाला में मैं कहूँगा क्या अच्छा मिल जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी है क्योंकि सब में बहुत एफर्ट्स किए हुए हैं। अगर यहाँ चाट पकौड़ी कहूँगा, गोलगप्पे कहूँगा, राज कचौड़ी कहूँगा और अपने बेकरी, बिस्कुट, चॉकलेट और दुनिया भर की ड्राई फ्रूट, स्वीट्स और खाने पीने में जितने भी आइटम्स अपन देखेंगे तो मैं कहूँगा कि किसी प्रकार से कहीं से कम नहीं मिलेंगे। उनमें बहुत एफर्ट्स और बहुत मेहनत और बहुत R&Ds और सब में डे टू डे की अपनी पूरी टीम उसमें आप पूरी आत्मीयता के साथ अपनापन मान के, अपना एक परिवार का अतिथि आया हुआ है उसको मन से परमात्मा मानते हुए उसको सर्वश्रेष्ठ चीज़ देने की कोशिश करते हैं ताकि मेरा एक कस्टमर आए तो उसको लगे कहाँ आ गया, क्या मस्ती आ रही है, क्या मज़ा आ रहा है, एक अनुभव हो जीवन में। और उसको मतलब खाना ही नहीं, उसमें हम देखते हैं कि औषधि से हमारे जितने प्रोडक्ट हैं जितने में भी देखेंगे दूध और डाइजेस्टिव करते हैं। अब दही और है इसमें, हमारे दही में भी कर्ड आपके बैठक खाने पीने में डाइजेस्ट और करने में बड़ी सपोर्ट करते हैं हमारे को जी। और इसमें भी क्या है कि एक मिष्टी दही आती है उसमें हम खजूर का गुड़ डालते हैं, उसका एक अपना मिठास और एक अपना स्वाद अलग मिलता है। तो बीकानेर वाला तो एक एक्सपीरियंस 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 स्वाद 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 और क्वालिटी 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 वो मिलेगी आपको बिल्कुल। और सर मैं बैंक्वेट की तरफ जाना चाहूँगी एक बार और बैंक्वेट के बारे में जानना चाहूँगी कि जैसे बात होती है मेन्यू की तो कितने तरह के मेन्यू हमें यहाँ मिल जाएंगे और क्या क्या स्पेशलिटी हर मेन्यू की होगी। यहाँ पे कई प्रकार के मेन्यूज मिल सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मिठाइयाँ दुनिया भर की मिठाइयों में चेंजेस कर सकते हैं जी। नमकीन स्नैक्स में दुनिया भर के स्नैक्स हैं चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एंडलेस मिठाइयाँ हैं, एंडलेस नमकीन्स हैं जी। और उसके साथ में जो खाने पीने के आइटम्स हैं तंदूरी आइटम्स हो सकते हैं, परांठास हो सकते हैं, सब्जियों में अपनी सारी जो भी सब्जियाँ सारी जगह अवेलेबल्स हैं वो सारी वेजिटेबल सब्जियाँ ओनली वेज है जी। बस नॉन वेज नहीं है, आजकल वेजिटेरियन का बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है, वर्ल्ड वाइड वेजिटेरियन पे लोग जा रहे हैं और इसका वेज का बहुत बड़ा मार्केट है जी। तो यहाँ पे स्पेशली इन्हें मालूम है कि किसी भी प्रकार से नॉन वेज टच नहीं होगा तो वो लोग स्पेशली आते हैं। तो मेन्यू के जो रेट हैं जैसा मेन्यू लेते हैं उसी हिसाब से रेट लग जाते हैं जी। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपको भी बीकानेर वाला में अगर कोई अपना फंक्शन करना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं और प्योर वेज जो हम लोग बीकानेर वाले जो है प्योर वेज के साथ आपको जो है खाना सर्व करेंगे। तो ये थे हमारे सर नवरत्न अग्रवाल जी। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर। आगे हम चल रहे हैं किचन की ओर, बीकानेर वाला की किचन दिखाते हैं कि क्या खास आज बनने वाला है और आज हम आपको क्या खास बनाते हुए दिखाने वाले हैं। चलिए चलते हैं अंदर। अब हम आपको दिखा रहे हैं बीकानेर वाला का जो लाजवाब वड़ा पाव है वो कैसे बनता है। तो सर क्या क्या डाल रहे हैं इसमें? वड़ा पाव का चटनी है, चटनी है और ये हरी चटनी और लाल वाली चटनी है, लहसुन का और मिर्ची का जी। और जी ये वड़ा है ये कैसे बनता है, हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। वड़ा है इसमें ये आलू का बनता है, आलू का बनता है तो जो इसके मसाला डालते हैं जी, बेसन में इसको फिर जी बनाते हैं जी। तो ऐसे बनता है जो हमारा वड़ा जो बनता है वो ऐसे बनता है। अब जो आपके पाव पे है वो हरी चटनी लग रही है, ये हरी चटनी, हरी चटनी ये किस मतलब कैसे बनती है सर? ये धनिया पुदीना का चटनी है। ये किसका? धनिया पुदीना अदरक ये और ये लगा हुआ है, ये खटाई लगा हुआ है, प्योर चीज है, प्योर सौदा बेच रहे हैं और बढ़िया बना के बेच रहे हैं हम लोग जी। बीकानेर की खासियत है सौदा का जी। ये बढ़िया बना के बढ़िया ग्राहक को दो, बढ़िया ग्राहक से डीलिंग करो जी। ये काम है हमें लोग को डीलिंग करना, जैसे हमें बॉस बोलता है वैसे हम लोग करते हैं जी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो वड़ा पाव है बीकानेर वाला का जो वड़ा पाव है वो एकदम तैयार है और सर्व करने के लिए भी तैयार है, ऐसे लोगों को सर्व किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वड़ा पाव बिना मिर्ची के अधूरा होता है, तो सर ये कैसी मिर्ची होती है इसके बारे में जानना? ये पतली वाली मिर्ची होती है, तीखी मिर्ची होती है जी, उसको फ्राई करके मसाला लगा के देते हैं वड़ा पाव के साथ जी। मतलब इसके बिना हमारा वड़ा पाव जो है वो अधूरा अधूरा है, अधूरा है।
तो आगे चलते हैं, जानते हैं क्या बन रहा है। तो क्या बन रहा है सर? ये आलू टिक्की बना रहे हैं जी। आलू टिक्की बना रहे हैं और देसी घी की आलू टिक्की है। बीकानेर वाला में जो आपको मिलेगी वो देसी घी की टिक्की मिलेगी। तो सर ये जो टिक्की का जो स्टफ है ये कैसे तैयार होता है? ये पूरा आलू से तैयार होता है। आलू है, हरा रोट है, मसाला है, काजू है जी उसमें, और मटर लगे हुए हैं, मसाले हैं, सारे कुछ लगे हुए, उससे तैयार होता है जी। और पूरा करारी सेक के देते हैं, बढ़िया सेक के देते हैं ग्राहक को, और साफ सफाई से देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बीकानेर वाला का जो टिक्की है वो देसी घी में तैयार होती है आप, और इसका टेस्ट जो है देसी घी के बाद बहुत अच्छा हो जाता है जी। कच्चा था उस टाइम, पक्का किया कर रहा हूँ, टिक्की बना के कस्टमर को दिया जा रहा है, डीलिंग किया जा रहा है। अब कैसे पता लगता है कि टिक्की पक चुकी है? ये लाल पना से लगता है, पता है लाल हो गया जी। ये कलर देखो बिल्कुल बादामी कलर है, लाल है, सिक गया ये टिक्की पूरा। कस्टमर को ये देने के लिए रख लिए, ये फिर थोड़ा घी निकल जाएगा, इसमें चटनी डालेंगे हरी, खट्टी मीठी चटनी हरी, आप जरा देख लेना, मैं बना रहा हूँ इसको। चटनी और लाल चटनी डाल रहे हैं, बना के कस्टमर को दे रहे हैं, आप देखते रहिए सामने। ये चटनी है मीठी, लाल चटनी है, सौंठ सौंठ है इसको बोले जाते हैं पुरानी दिल्ली के हिसाब से। ये हरी चटनी है जी, धनिया पुदीना हरी मिर्ची अदरक और अमचूर लगे हुए, ये चटनी है प्योर प्योर चटनी है, ये कस्टमर को दिए जा रहे हैं जी। आप इसमें देखो स्वादिष्ट काजू किशमिश बादाम काजू और मटर होगा इसमें डले हुए, प्योर बेस से बनाते हैं हम लोग, बढ़िया साफ सुथरा से बनाते हैं और साफ सुथरा से कस्टमर को देते हैं जी, जो हमारे बीकानेर की फ्रेश फ्रूट कहीं पर भी कमज़ोर ना पड़े, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बन रहा है? मूंग दाल का चीला बन रहा है बीकानेर वाला में। आज हम आपको मूंग दाल का चीला भी बता रहे हैं। तो ये जो स्टफ तैयार हुआ है इसमें आपने क्या क्या डाला है? मूंग का दाल है, भिगोते हैं, उसके बाद पीसते हैं जी। इसमें अजवाइन पड़ता है, पीली मिर्च पड़ता है और सफेद नमक पड़ता है जी, हींग पड़ता है जी, जी। अच्छा, अब आगे हम लोग इसको तवे पर डाल रहे हैं। हाँ जी, तवे पर डाल रहे हैं जी, और इसको घुमा रहे हैं जी। इसके बाद उसके ऊपर से पनीर डालेंगे जी। जो ये स्टफ जो अंदर डाला जाएगा वो पनीर है, मतलब ये पनीर चीला इस समय तैयार हो रहा है। पनीर है, इसमें धनिया देगी मिर्च पड़ता है जी और नमक पड़ता है। लगभग हमारा जो चीला है वो तैयार हो रहा है। अब इसमें इसके ऊपर से देसी घी डालेंगे। देसी घी डल रहा है आगे। ये देसी घी इसलिए डल रहा है ताकि ये चिपके नहीं। चिपके नहीं। दाल के चीला है, बढ़िया है, ये हमारी कंपनी बीकानेर की ये मशहूर है चीला, हर ब्रांच में मिलेंगे चीला, मूंग दाल का बना हुआ पनीर चीला दाल चीला है, ये हर जगह मिलेंगे, हर दुकान पर मिलेंगे बीकानेर की जितनी दुकानें ब्रांच है उस पर सब पर मिलेंगे। चीला और टिक्की और मटर खुलचा है दोनों चीज़ मिलते हैं हमारे यहाँ, फ्रेश साफ सुथरा मिलते हैं जी। ये लाल चटनी है, ये मीठी हरी चटनी है। ये लाल चटनी जो है वो लाल चटनी कौन सी, जो इमली की चटनी होती है वो है? नहीं जी, प्योर अमचूर की चटनी बने हुए हैं ये जी, प्योर मसाला लगा हुआ है जी, और ये हरी चटनी है साथ में चीला के साथ में खाने के लिए जी, टेस्टी लगता है दोनों मिला करके खाने के लिए चीला की, और बेस्ट लगता है चीला का, ये मेन चीज़ है चटनी, हरी चटनी और लाल चटनी जी। ये गाइनिश हुआ है इसका जी, ये पनीर चीला के साथ में खाने में स्वादिष्ट बनता है। ये प्लेट है ऐसे लगा के दिए, ये साफ से है चटनी और हरी चटनी है खट्टी चटनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो बीकानेर वाला का जो पनीर चीला है वो इस समय रेडी है और ऐसे जो है कस्टमर्स के सामने सर्व किया जाता है। गरम गरम छोलों के साथ ये गरम गरम भटूरे जो हैं आपको सर्व किए जाते हैं बीकानेर वाला में, और आपको ये जो भटूरे ही कह लीजिए बीकानेर वाले के बहुत फेमस हैं और बहुत लोग यहाँ पर जो हैं छोले भटूरे के लिए आते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं। भटूरे हैं वो निकल कर तैयार हैं, अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कस्टमर के सामने सर्व किए जाते हैं, वो भी दिखाते हैं कैसे सर्व करते हैं। ये भटूरे की प्लेट है, सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे प्याज, जो प्याज के साथ सर्व किए जाते हैं, भटूरे बिना प्याज के अधूरे माने जाते हैं। साथ ही अब जो है ये अचार है, अचार डालें रख रहे हैं। भटूरे की जो प्लेट है वो सजाई जा रही है, अचार है, मिर्च है, प्याज है, ये छोले हैं जो छोले भटूरे जो होते हैं उसके छोले हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें पनीर भी डाला गया है, और जो सजाया जा रहा है वो
धनिया पत्ती से सजाया जा रहा है, साथ ही इसके ऊपर आलू डाला जा रहा है। जो हमारे छोले हैं वो एकदम रेडी हैं, अब इसमें बस कमी है तो सिर्फ भटूरों की, वो भी इसमें अब जल्दी ही इस प्लेट में आ जाएंगे। हमारी प्लेट में भटूरे भी आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोले भटूरे एकदम रेडी हैं। प्लेट में हमारे भटूरे हैं, छोले हैं, प्याज है, मिर्च है और अचार है। ऐसे बीकानेर वाला कस्टमर के सामने अपनी प्लेट जो है उसको सर्व करता है और लोगों के देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। बीकानेर वाला जैसे हम सभी को पता है कि रेस्टोरेंट के उससे जाना जाता है, रेस्टोरेंट में बड़ा नाम है बीकानेर वाले का, लेकिन अब जो बीकानेर गुड़गांव है उसमें नीचे बैंक्वेट हॉल भी है जिसमें आप छोटे मोटे जो अपने फंक्शंस हैं उन्हें कर सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको दिखाती हूँ गुड़गांव में बीकानेर वाले का बैंक्वेट कैसा है और आप कौन कौन से फंक्शंस वहाँ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको उससे रूबरू कराते हैं। चलिए, गुड़गांव सेक्टर 29 के बीकानेर वाला में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के मैनेजर सौरभ जी। सर स्वागत है पहले तो, सबसे पहले तो। और मैं आप ये जानना चाहूँगी यहाँ का जो ये बैंक्वेट है जिसमें हम लोग इस टाइम पे बैठे हुए हैं, इसमें कितने लोगों की गैदरिंग अगर हम लोग चाहें तो हो सकती है? मोर देन 200। 200। अच्छा सर, मैं बात करूँ फंक्शंस की तो कौन कौन से फंक्शंस हम लोग यहाँ कर सकते हैं? आप यहाँ पे सब तरह के फंक्शंस कर सकते हैं, लाइक मैरिज जी, एंगेजमेंट जी, बर्थडे पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेस, एनी गेट टुगेदरिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे जी। सर मैं बात करूँ मेन्यू की तो किस मतलब क्या क्या मेन्यू में मिल जाएगा और कौन कौन से मेन्यू हमें मिलेंगे यहाँ पर? यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के मेन्यू हैं जी, सिल्वर, डायमंड और प्लैटिनम जी। और उसमें स्नैक्स हैं, स्टार्टर्स हैं, मेन कोर्स हैं जी, बहुत डिलीशियस मेन्यू है, यू मस्ट ट्राई इट जी। ओके सर, अगर मैं बात करूँ कस्टमर की तो सबसे ज़्यादा कस्टमर कौन से मेन्यू को पसंद करते हैं? एवरेज है, मतलब वी कांट से लाइक दिस कि हाँ कि यही वाला मेन्यू ज़्यादा निकलता है जी। कस्टमर है, कस्टमर आके कोई प्लेटिनम भी ले रहे हैं, कोई डायमंड भी ले रहे हैं, उनको जैसे सूट करता है, जैसे वो देखते हैं उनको डिशेज के हिसाब से कितना बड़ा मेन्यू चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द विशेस जी। सर मैं बात करूं फंक्शंस की तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ जाती है? परेशानी का तो नाम निशानी नहीं है मतलब बीकानेर वाले के आगे कोई परेशानी नहीं है जी। वी आर वर्किंग 24/7 ओनली फॉर आवर गेस्ट जी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सौरभ जी। खाना खजाना के प्रायोजक है बीकानो नमकीन, महिला मंडल पंजाबी बाग, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग, किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद।